नमस्कार, आप जो रहा छो समाचार सुपरफास्ट। आपनी साथे हूं छू विधाता। समाचारों की शुरुआत वडोदरा थी। जमाराणी कन्या विद्यालय विद्यार्थियों ने बोलाव्या शाळाए। पुस्तकों लेवा माटे विद्यार्थियों ने बोलावाया होवानो संचालक नो जवाब। समग्र मामले जिला शिक्षण अधिकारी करशे तपास। अमदावाद में मणिनगर में आवकार हॉल पास से मृत भ्रूण मळवा मामले तपास हाथ धराई। दंपती बाळक न लेता डॉक्टर ने फेंक्यू हतु भ्रूण। पुलिस से प्रसूति करावना डॉक्टर ने धरपकड़ करी। सूरत मनपा कर्मचारियों जाहिर में दारू पीतो वीडियो वायरल। फरज दरमियान दारू पार्टी करता त्रणे कर्मचारियों ने मनपा द्वारा सस्पेंड कर दवाया। सूरत में पकड़ाये जुगारधाम मामले महितर पुलिस स्टेशन में नोधाई फरियाद। 10.35 लाख की मता की गणतरी बाद नोधाई फरियाद। 10 थी वधु वाहनों कब्जे कराया। दाहोद पार्वतीनगर सोसायटी में त्राटक्या तस्करों। चड्डी बनियानधारी तस्करों त्रण बंद मकानों ने निशान बना चोरी कर तस्करों सीसीटीवी में कैद थे। नडियादना डुमराल गामना एक फार्ममांथी झड़पायुं जुगारधाम। आरसीबीए 1.25 लाखनी रोकड सहित 2.5 लाख मुद्दा में जप्त कर्यो। जुगारधाम चलावनार कुख्यात टीकू मच्छी और तेना पुत्र सहित 9 पकड़ाया। भरूचना दशाश्वमेघ घाट पास एक युवक नो मृतदेह मळी आव्यो। नर्मदा नदी ओवारा पर जवाना मार्ग पर लगड़िया पुल नीचे मृतदेह मळी आव्यो। पुलिस मृतदेह ने लईने तपास हाथ धरी। तापीना फील्ड सुपरवाइजर पासेथी मळी 1 करोड़ की मिलकत। तत्कालीन फील्ड सुपरवाइजर एगार गढ़वी विरुद्ध अप्रमाणसर मिलकत नो गुनो दाखल थयो। दक्षिण गुजरात में खेतलावी पानी ना टांका बनावामां भ्रष्टाचार आरोप। राजकोट में पतिए पत्नी ने निर्मम हत्या करी होवानुं आव्युं सामे। महिला की ओळख करी आरोपी ने शोधवा कामगीरी शुरू करवामां आवी। परिवारे जमाई पर लगाव्या हत्याना आरोप। छोटाउदेपुर में स्ट्रीटलाइटनो थांभलो उभो करवा जता 3 लोगों ने करंट लाग्यो। ऊपरथी जती मेन लाइन ने अड़ी जता करंट लाग्यो। इजाग्रस्तों ने सारवार अर्थे खसेड़ाया। अमदावाद जेतलपुर नजीक पूरपाट झड़पे आती इनोवा गाड़ीए राहदारी ने उड़ाव्यो। अकस्मात में 1 व्यक्ति मौत निपजू। 4 थी 5 चालकोए रेस लगावी होवानो स्थानिकोनो आरोप। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और तेनी पुत्री आराध्या ने मुंबईनी नाणावटी होस्पिटल में दाखिल कराया। कोरोनानो चेप लाग्या बाद हड़वो ताव और श्वास लेवामां सामान्य तकलीफ थी। दमणना जापा बजार विस्तार में 2 अखला वच्चे युद्ध जाम्यो। अखलाना युद्ध ने कारण साइड में पार्क करेला 2 व्हीलर और गाड़ियों ने नुकसान पहुंचू। अखलाओं की लड़ाई थी आसपासना लोकोना जीव ताड़वे चौंट्या। सुरेन्द्रनगर नजीक ट्रक और कार वच्चे गंभीर अकस्मात। अकस्मात में 2 वाहन रोड की साइड में फंगोड़ाया। कार में सवार 4 लोगों ने गंभीर इजा। सूरत बारडोली नजीक एक कार में अचानक आग लागी। कार नु एंजीन गरम थवाथी ज आग लागी होवानुं प्राथमिक अनुमान। फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू। आणंदना उमा भवन पाछळ रोड पर मारुति कार में सवारे अचानक आग लागी। फायर विभागे 1/2 कलाकनी जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो। मोरबी में भाजपनी बैठक में सोशल डिस्टन्स उड़ा धजागरा। भाजपनी बैठक में सोशल डिस्टन्स अभाव। आईके जाडेजा और सौरभ पटेल पेटा चूंटणी ने लईने कार्यकरों साथे बैठी बैठक योजी हती। कोरोना काल में नवसारी भाजपा जोड़तोड़ कार्यक्रम योजायो। भाजपनी सभा में 2 कोंग्रेसी सभ्यों भव्यो धारण कर्यो। उना बैठक में भीखू पटेल और कुकरी बैठक में शीलाबहन पटेल भाजपा में जोड़ाया। वलसाड कपराड़ा की पेटा चूंटणी माटे भाजपा और कांग्रेस बंने शुरू की तैयारी। गणपत वसावाए कपराड़ा की मुलाकात लीधी। 9000 जेटला जमीन विहोणा आदिवासी ने वन अधिकार पत्रों की सनदों एनायत कर। बनासकांठा थरादना धारासभ्य गुलाबसिंह राजपूते अध्यापक सहाय की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। सीएम ने पत्र लिखी सत्वरे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की रजूआत। हड़वद एमएलए परसोत्तम साबरियाए लॉकडाउन की करी मांग। कोरोना वधी रहेला केर ने पगले 15 दिवस लॉकडाउन की कलेक्टर ने पत्र लिखी मांग की। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बनया बाद हार्दिक पटेल चालू करते प्रवास। 20 जुलाई रोज सोमनाथ महादेव दर्शन कर वेरावल खाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं साथ बैठक करते। डीजल भाव में 15 पैसा वधारो। जयरे पेट्रोल भाव यथावत। डीजल भाव 78.70 पैसा थो जारे के पेट्रोल 77.85 रूपया पर यथावत। सौराष्ट्र ऑइल मिल एसोसिएशन ने सीएम रूपाणीए पत्र लख्यो। खेडूतों ने मगफड़ी योग्य भाव मळे ते माटे करी बैठक। आ साथ लोग सिंग तेल उपयोग करे ते माटे केम्पेन चलावा रजूआत कराई। वेराणी आवक तूटता कमिश्नरो भेसमां मुकाया। जीएसटी की चोरी करनाराओं की बातमी आपवा लोगों ने अनुरोध। टेलिफोन व्हाट्सएप के पछी एसएमएस मार्फते माहिती आपवा बातमीदारों ने जणावायु। अमदावाद दररोज 50% फ्लाइट कैंसल। मुसाफरों ने रिफंड माटे हालांकि रिफंड ने स्थानिक क्रेडिट शेल अपाता मुसाफरों में नाराजगी। मार्च महीना बाद इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट बुक करनाराओं ने रिफंड न मळवानी फरियाद उठी। राजकोट महानगरपालिका आरोग्य विभाग द्वारा शहर की जुदी जुदी होस्पिटल में तपास हाथ धराई। जमा राजकोट की जुदी जुदी 36 होस्पिटल में मच्छर ब्रीडिंग मळी आव्या।
परिपत्र स्थगित करने निर्णय शिक्षण संघे और मंडले आवकार्यो। उच्चतर पगार धोरण की विसंगताओं ने लेने हजू पण असंतोष। 10 दिवस में मांग पूरी करने की मांग। राजकोट की मंगलम सोसायटी में दर्दियों की सारवारने मामले करणी सेना विरोध। हॉस्पिटल ने कोविड वोर्ड न बनावा रजूआत थी। थाळी बेलण वगाड़ी ने विरोध कर्यो। सूरत शिक्षकों उतरिया प्रतिकूल धरना पर। ग्रेड पे मामले अन्य जिला और तालुकाओं ने फायदो थता तथा सूरत महानगरपालिका ने लाभ न मळता उतरिया धरना पर। सुरेन्द्रनगर में खुला हाईवे पर पीपी किटना ढगला जोवा मळ्या। वढवाण माळो हाईवे पर पीपी सूट और मेडिकल वेस्ट की जाहिर जगह पर मळी आवता तंत्रनी बेदरकारी सामे आवी। सुरेन्द्रनगर में पीपीई किट रझड़वा मामले न्यूज 18 अहेवाली असर थी। जिला मुख्य अधिकारी और टीडीओ घटनास्थल की मुलाकात लीधी और विगत जानी तो आरोग्य अधिकारी तपास की खातरी आपी। बोटाद में साळंगपुर कोविड 19 हॉस्पिटल में सुविधाओं अभाव जोवा मळ्यो। कोरोना पॉजिटिव दर्दियों ने नहीं मिली रही समयसर सारवार तो मास्क पहेर्या वगर ज जोवा मळ्यो रसोडानो स्टाफ। छोटाउदेपुर में पुलिस और आर्मी जवान वच्चे तकरार मामले। आर्मी जवान और एक आर्मी जवानोए कलेक्टर कचेरी विरोध प्रदर्शित कर्यो। पुलिस बाइक लेने जता आर्मी जवाने रोकता थयो हतो विवाद। गोधरा में गणपति प्रतिमा बनावता कारीगरों की हालत थी कफोड़ी। चालू वर्षे गणपति की मूर्ति में बुकिंग न थता कारीगरों ने भारी नुकसान। भरूच यात्राधाम कबीरवड सुमसाम जोवा मळ्यु। मरीघाट पर बजार लोकोना अभावे जोवा मळ्यु तो लोग न होवाने कारणे स्थानिक व्यापारियों ने मोटो फटको। एसआरपी जवानों ने पोताना वतन थी दूर न राखवा माटे अरवलीना बाड़ना लोकोए सीएम पीएम और गृहमंत्री ने पत्र लख्यो। तेमना संतानों ने पोताना जिला के पछी राज्य में ड्यूटी आपवानी मांग साथे 500 जेटला पोस्टकार्ड लखीने रजूआत करवामां आवी। शहेरना बोटादना पाळियाद हरणपुरी हबाव रोड तुरखा रोड गढ़ा रोड सहित मोटा भागना रस्ताओ तूटेली हालत में। रोड तूटेला होवाना कारणे तमाम लोकोने हालाकी। गीर सोमनाथ गीरगढ़ा में सनवाव गा सस्ता अनाज की दुकान में काळाबजारी की फरियाद उठी। जागृत नागरिके गीरगढ़ा मामलतदार कलेक्टर और नागरिक पुरवठा मंत्री ने फोटो वीडियो पुरावा साथ फरियाद करी। वरसाद पड़ता नदी नाळा छलकाय उठा। कोकल पर हड़मतिया गामना वाड़ी विस्तारों में तबाही सर्जाई तो खेतरों में नदी पानी फरी पड़ा जेने कारण मगफड़ी पाक ने मोटू नुकसान। पंचमहाल जिला में वरसाद खेंचाता खेडूतो चिंतित थया। गोधरा तालुकाना अंबाली गामे डांगरनुं धरुं सुकाता खेडूतोनुं अनोखी रीते विरोध प्रदर्शन। सिंचाई विभाग सामे कर्या सूत्रोच्चार। छेल्ला केटलाक समयमां नानी नानी बाबतोमां घरेलू हिंसाना किस्साओ आवी रह्या छे सामे। चालू वर्षे घरेलू हिंसाना 78% किस्साओनो उकेल लाववामां पोलीसने सफळता मळी। अमदावादमां हाईकोर्टनी कार्यवाही विस्मितीपूर्ववत बनशे। 15 बेंच कार्यरत रहेशे तो बे डिविजन बेंच और साथ 13 सिंगल जज ने विविध केसों कार्यभार अपाता रोस्टर जारी करायो। कचेरी करेला वेबिनार ने मळ्यो सारो प्रतिसाद। सीम पोर्टल थी युवानो करी शके छे तेमनुं रजिस्ट्रेशन। 5 वेबिनार भर्ती मेळा में 883 युवानों ने आपवामां आवी रोजगारी। वडोदरा शहर पोलीस तंत्र ने पेट्रोलिंग माटे अपग्रेड करायेला 37 बुलेट आपवामां आव्या। आ बुलेट में विंडशील्ड सायरन बिग खास करीने बिगन लाइट तेमज पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर मुकवामां आव्यो। अमदावादना चांदोड़िया में जन्मेला बाळक ने मळ्यु नवजीवन। 640 ग्रामना बाळकना जे वजन हतो तेना कारणे गरीब परिवारना बाळकनी तबीबोनी मददथी सोशियल मीडिया परथी सहाय मेळवामां आवी अने 4 महिना सुधी सारवार कराई। बाळकनुं वजन हवे थयुं 2.5 किलो। મહેસાણાના ઊંઝામાં પંચમુખી સખી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયુર્વેદિક ઉકાળા તેમજ હોમિયોપેથી ડોઝનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। 140 લીટર આયુર્વેદિક ઉકાળો તેમજ 1200 નંગ દવાનું વિતરણ કરાયું। મોટી સંખ્યામાં લોકોએ તેનો લાભ લીધો। અમદાવાદના 4 ખેડૂતો પુત્રોએ શાકભાજીના વેચાણ માટે બનાવી વેબસાઇટ। ધરતીપુત્ર નામે શરૂ કરવામાં આવી વેબસાઇટ। પૂર્વ વિસ્તારના લોકો ઘરે બેસી મંગાવી શકે છે શાકભાજી। રોજનું 250 કિલો શાકભાજીનું વેચાણ થાય છે। भावनगर जिले में विविध विस्तार में वरसाद। भावनगर महुआ में भारी पवन साथ वरसाद वरसों स्थानिकों ने गर्मी थी राहत मिली। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 949 नवा केस नोंधाया। 17 दर्दी मौत थया। राज्य में कोरोना कुल 46,516 केस जारी कुल 2,108 दर्दी मौत थया। अमदावाद में 184 नवा केस नोंधाया और 5 लोगों मौत थया। सूरत में कोरोना 234 केस नोंधाया। 5 दर्दी मौत थया। सूरत शहर में 177 और ग्राम्य में 57 नवा केस नोंधाया। वडोदरा में कोरोना 77 पॉजिटिव केस आया सामे। वडोदरा में कोरोना कुल केस नो आंक 3,430 थयो। जिला में कोरोना केस में सतत वधार। केन्द्रीय आरोग्य विभाग की टीमें राज्य तमाम जिला कलेक्टर्स साथ बैठक योजी कोरोना अंगे अपाय मार्गदर्शन। सरकारी और खानगी डॉक्टर्स बैठक में उपस्थित रहा।
जामनगर में पान मसाला ने चानी दुकाने बंद रखवा जाहिरनामु। रोड में पण बंद रहेशे पान मसाला की दुकाने 18-26 जुलाई सुधी रहेशे चापान की दुकाने बंद। अमरेली में पान मसाला की दुकाने 20-25 जुलाई सुधी बंद रहेशे साथ चा नास्ता की लारीओ पण बंद रखवानुं जाहिरनामु। तो 25 बाद पान मसाला और टी स्टॉल खुला रखवा माटे आरोग्य विभागनुं हेल्थ कार्ड मेळवुं फरजियात रहेशे। अमदावाद में वधु 10 पॉकेट माइक्रो कंटेनमेंट झोन, तो एमसीए 16 पॉकेट माइक्रो कंटेनमेंट में मुक्त करवामां आव्या। पूर्व में 3 और पश्चिम झोन में 7। आ झोन की संख्या 212 थी घटीने 206 थी। म्युनिसिपल तंत्रे हाथ धरेली कामगीरीनुं मळ्युं सारुं परिणाम। एसटी स्टेण्ड और नाका परथी हेल्थ चकासणी में 21 लोको कोरोनाग्रस्त मळी आव्या। राजकोट सिविल होस्पिटल में धमा मचावनार कोरोना दर्दी ने पोलीसे कायदानुं भान करावियुं। पीपीई किट पहेरीने पोलीसे आगवी ढबे करी सरभरा। डॉक्टर ने तथा स्टाफ ने गाळो आपता पोलीसे दर्दीनी सरभरा करी। बनासकांठाना पालनपुर में कोरोना बे शंकास्पद दर्दीना मौत निपजा। बने दर्दीना रिपोर्ट आवाना बाकी। कोविड होस्पिटल में सारवार दरमियान निपजा हता मौत। केन्द्र शासित प्रदेश दीव में कोरोना 18 नवा केस नोंधाया। कुगला और साथे वणाकबारा में नोंधाया नवा केस। वडोदरा में 96 विस्तारों ने रेड झोन में मुक्ति आपवामां आवी। 96 विस्तारों ने जाहिर कराया ऑरेंज झोन, तो कोरोना ना केस घटता लेवायो निर्णय। सूरत में कोरोना नो कहर वधता लोग घर में रहे ते माटे कराए स्वयंभू लॉकडाउन की अपील। स्थानिक नेताओं ने मनपा कर्मचारी करी अपील, जो कि अधिकारी लोग पर दबाण करता होवानो कांग्रेस नो आरोप। सूरत महेन्द्रपुरा हीरा बजार फरी एक बार बंद। कोरोना नो चेप वधता सूरत महापालिकाए बंद कराव्यू, जारे चौकसी बजार रह्यू स्वयंभू बंद। सूरत उद्दा विस्तार में स्वयंभू लॉकडाउन। जीवन जरूरियात चीज वस्तुओं से सीवाय अन्य दुकाने बंद रहेशे। व्यापारी स्वैच्छिक रीते बंद में जोड़ाया। सूरत में तंत्र की वधु एक बेदरकारी। पालिका की टीमें कोरोना की महिला दर्दी ने बस में अधवच्चे ज उतारी दीधी। बस में जगह नहीं तेम कही महिला ने उतारी देवाई। घरे पहुंचता पहला ज महिला मौत निपजू। छोटाउदेपुर में जिला कलेक्टर सुजल मयात्राए कंटेनमेंट झोन की मुलाकात लीधी। वहीवटी तंत्र ने व्यापारी मंडले मिनी लॉकडाउन निर्णय कर्यो। बोडेली में 41 लोगों ने कोरोना। छोटाउदेपुर बोडेली में 6 दिवस लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण ने अटकाववा बोडेली में 23 जुलाई सुधी मिनी लॉकडाउन। छोटाउदेपुर में बोडेली सहित 4 गाम स्वैच्छिक बंद पाड़वानो निर्णय लीधो। बोडेली चाचक अलीखेरवा ढोकलिया गाम बपोरे 2 पछी बंद राखशे दुकाने। गाम लोगोए आ निर्णय ने समर्थन कर्यु। साबरकांठा ने हिम्मतनगर मुख्य मार्केट यार्ड 12 दिवस सुधी बंद रहेशे, तो व्यापारी कोरोना संक्रमित थता लेवायो निर्णय तथा कोईपण प्रकार की अवरजवर बंद कर देवाई। साबरकांठा हिम्मतनगर में मार्केट यार्ड 5 व्यापारी ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 31 जुलाई सुधी यार्ड बंद रखा निर्णय। द्वारका जाम खंभाड़िया में कोरोना केस बढ़ता लेवायो निर्णय। बपोरना 3 वाग्या बाद धंधा रोजगार बंद रखा निर्णय। बपोरना 3 बाद अंदाजे 700 जेटली दुकाने बंद रहेशे। મહોવામાં આવશ્યકતા સિવાયની મુલાકાતો પર પ્રતિબંધ ફરમાવી દેવાયો। તાલુકા મથક પર આવેલ જનસેવા કેન્દ્ર 31 જુલાઈ સુધી બંધ રહેશે। કોરોનાને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરે પ્રસિદ્ધ કર્યું જાહેરનામું। અમરેલીમાં કોરોનાથી વધુ 1 દર્દીનું મોત નિપજ્યું। જિલ્લામાં કોરોનાના 9 નવા કેસ નોંધાયા। જિલ્લામાં કોરોનાના 215 કેસ, તો અત્યાર સુધીમાં 16 લોકોના મોત। રાજકોટ દાણાપીઠ વેપારી એસોસિએશન કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા માટે લીધો નિર્ણય। આગામી 31 જુલાઈ સુધી દાણાપીઠ વેપારી એસોસિએશન સાંજના 5 વાગ્યા પછી પાડશે લોકડાઉન। पंचमहाल शहरा में कोरोना प्रथम केस नोधाया। व्यापारी प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में योजी बैठक। व्यापारी स्वैच्छिक रीते सोमवार गुरुवार दुकाने बंद रखे। मेहसणा ऊंचा में शाकभाजी बजार में सोशल डिस्टन्स धजागरा उड़ता जवा मळ्या। जिला में सतत कोरोना वधी रहेला केस ने पगले 10-27 धंधा रोजगार स्वयंभू बंद राखवा माटे अपील करवामां आवी। सूरत में युद्धना धोरणे मात्र 15 दिवस में उभी थयेली 1000 बेडनी क्षमतावाड़ी कोरोना कोविड डेडिकेटेड होस्पिटल सीएमए ई लोकार्पण कर्यु। गांधीनगर थी सीएम और डेप्यूटी सीएमए कर्यु लोकार्पण। सूरत में कोरोना की सारवार में मददरूप इंजेक्शन माटे नवी सिविल होस्पिटल में लागी लाइनों। इंजेक्शन लेवा माटे मैसेज आव्यो होवानुं लोकोए जणाव्युं। दाहोद में कोरोना 15 पॉजिटिव केस नोंधाया। 5 महिला और 10 पुरुष रिपोर्ट आप्यो पॉजिटिव। दाहोद में 14 और लीमखेड़ा में 1 केस नवो नोंधायो। दाहोद में कुल 213 केस पॉजिटिव। साबरकांठा में कोरोना 12 नवा केस नोंधाया। हिम्मतनगर में 7, ईडर में 2 प्रांतिज और पोचीना में 2 केस कोरोना नोंधाया। पंचमहाल हालोल में मंत्री जयदत्त रसी परमार हस्ते खास धनवंतरी रथ शुरू कर। हालोल जीआरडीसी एसोसिएशन सहकार थी हालोल खाते 4 और कालोल खाते 1 धनवंतरी रथ फरता मुकाया।
સુરતની સ્કૂલ સંચાલક મંડળે કરી પહેલ, શાળાની 5 બ્રાન્ચને આઇસોલેશન વોર્ડમાં આપવાની તૈયારીઓ દર્શાવી, મનપા કમિશનરને પત્ર લખી આપી માહિતી. ગીર સોમનાથમાં કોરોનાના વધતા કેસ, જિલ્લામાં એક સાથે 12 નવા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. કોડીનારમાં 6, ઉનામાં 5 અને ગઢડામાં 1 નવો કેસ નોંધાયો. વડોદરાના ડભોઈમાં 3 કોરોનાના કેસ નોંધાયા. ડભોઈ એલઆઈસીના ઓફિસના 3 કર્મચારીઓને કોરોના. એલઆઈસી ડભોઈ બ્રાન્ચને 2 દિવસ સુધી બંધ રાખવામાં આવશે. ડભોઈમાં કોરોનાના કુલ 31 કેસ. ભરૂચમાં કોરોના દર્દીના મૃતદેહને લઈ જવા માટે પાડવામાં આવે એમ્બ્યુલન્સ. આ સાથે 4 સ્વયંસેવકોને સલામતી માટે પીપીઈ કીટ આપવામાં આવી. સ્વયંસેવકો તૈનાત રહીને અંતિમ ક્રિયાની પ્રક્રિયા કરશે. ભરૂચમાં કોરોનાના વધુ 48 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. જિલ્લામાં કોરોનાના 607 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. બોટાદમાં કોરોનાના વધુ 5 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. બોટાદ શહેરમાં 3 અને ગ્રામ્યમાં 2 નવા કેસ નોંધાયા. બોટાદમાં કોરોનાના 151 પોઝિટિવ કેસ. નવસારીમાં કોરોના વાયરસનો વિસ્ફોટ. 29 નવા કેસ નોંધાયા. જલાલપુર, ગણદેવી, વાંસદા અને ચીખલીમાં નોંધાયા નવા કેસ. 3 લોકોના કોરોનાથી મોત થયા. નવસારીમાં કુલ 340 પોઝિટિવ કેસ. મહેસાણામાં કોરોનાના વધતા કહેરને કારણે માર્કેટયાર્ડ સ્વયંભૂ બંધ રાખવા માટે જાહેરાત કરવામાં આવી. ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ 20 થી 25 જુલાઈ સુધી બંધ રહેશે, તો વેપારી મંડળની બેઠકમાં અંગેનો નિર્ણય લેવાયો. સાબરકાંઠામાં કોરોનાના કહેર વધતા મુખ્ય માર્કેટ બંધ કરવાનો નિર્ણય. હિંમતનગર માર્કેટયાર્ડના 5થી વધુ વેપારીઓને કોરોના પોઝિટિવ આવતા 18 થી 31 જુલાઈ સુધી માર્કેટયાર્ડ બંધ રાખવાનું નક્કી કરાયું. છોટાઉદેપુરમાં કોરોનાને અટકાવવા માટે બોડેલીમાં મુસ્લિમ સમાજે લીધો મહત્વનો નિર્ણય. 7 દિવસ સુધી ફક્ત 4 વ્યક્તિઓ જ નમાજ અદા કરશે, તો શુક્રવારે લોકો ઘરમાં જ રહીને નમાજ અદા કરશે. કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા ભાવનગર તંત્ર દ્વારા ચેકપોસ્ટ પર ચેકિંગ શરૂ કરી દેવાયું. અમદાવાદ, સુરતથી આવતા તમામ લોકોનું સ્ક્રીનિંગ કરીને રોગપ્રતિકારક દવાઓ તથા ઉકાળાઓ આપવામાં આવે છે. ગુજરાત પાન ગલ્લા શોપ ઓનર્સ એસોસિએશનનો મહત્વનો નિર્ણય. ગ્રાહક દુકાન પર ઉભો રહી નહીં શકે અને ત્યાં પાન પણ નહીં ખાઈ શકે. ગ્રાહકોને અપાશે પાન મસાલાના પાર્સલ. એમસીએ છેલ્લા 4 દિવસમાં 600થી વધુ દુકાનો સીલ કરી. મોરબીના ટંકારાના વિવિધ વેપારી સંગઠનોએ કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા માટે સ્વૈચ્છિક બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો. 16 થી 31 જુલાઈ સુધી ટંકારામાં બપોરના 2 વાગ્યા સુધી જ દુકાનો ખુલ્લી રહેશે. જેતપુરના ધોરાજીમાં શરૂ કરાયા રેપિડ ટેસ્ટ. રાત્રે નાઇટ પેટ્રોલિંગ, વાહન ચેકિંગ અને રાત્રે કરફ્યુનો કડક અમલ. માસ્ક વગર ફરતા લોકોને ફટકારાયા દંડ. અત્યાર સુધીમાં જાહેરનામાના ભંગના 491 જેટલા કેસ નોંધાયા. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા હાલ રોકાઈએ બ્રેક માટે. બ્રેકવાદ સમાચારોમાં આગળ નજર કરીએ. અમદાવાદની ગુજરાત વિદ્યાપીઠે પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો. યુજીસીની ગાઇડલાઇન મુજબ 5 તબક્કામાં લેવાશે પરીક્ષા. 6 ઓગસ્ટથી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે પરીક્ષા. રાજ્યમાં હાલ શાળાઓ શરૂ ન કરવા શિક્ષણવિદોનું સૂચન. હાલ શાળાઓ શરૂ કરવા ઉતાવળ ન કરવા સરકારને આપ્યો અભિપ્રાય, તો શાળાઓ શરૂ થયા બાદ પણ વિદ્યાર્થીઓનું મેડિકલ ચેકઅપ ફરજિયાત કરવાનું સૂચન. રાજ્યમાં સ્થાપવામાં આવનાર કામધેનુ યુનિવર્સિટી માટે સીએમને પત્ર. રાજકોટના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પટેલે કામધેનુ યુનિવર્સિટી રાજકોટમાં સ્થાપવા માંગ કરી. એનસીપી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં અપાયું આવેદનપત્ર. માસ્ક ન પહેરવા બદલ લેવામાં આવતા દંડ સામે આવેદનપત્ર. પોલીસ બળ પ્રયોગ કરતી હોવાની ફરિયાદ. રાજકોટમાં આમ આદમી પાર્ટીએ મનપા સામે 300 કરોડના શંકાસ્પદ ખર્ચનો લગાવ્યો આક્ષેપ. કોર્પોરેશનના ઓડિટમાં 41 કરોડના ખર્ચ સામે ઉઠાવ્યા સવાલ. જામનગર ડમ્પિંગ પોઈન્ટ પર ખેડૂતોનો હોબાળો. ડમ્પિંગ કરાતા કચરાને કારણે ખેડૂતોને નુકસાનીની ભીતિ. ખેડૂતોએ કર્યો હોબાળો. અમદાવાદ રિક્ષા ચાલકોએ શરૂ કરી આંદોલનની શરૂઆત. રિક્ષા પાછળ પોસ્ટર ચોંટાડી. સરકાર સામે રસ્તા પર આંદોલન શરૂ કર્યું. જુદી જુદી 5 માંગણીઓ સાથે રજૂઆત છતાં પણ કોઈ નિરાકરણ ન આવતા રિક્ષા યુનિયનનો વિરોધ. કોરોનાને કારણે સ્કૂલના વર્ધી ચાલકોની હાલત કફોડી થઈ. 15,000 સ્કૂલ વેન ચાલકો અને રિક્ષા ચાલકો બન્યા બેકાર. વાલીઓએ એપ્રિલ અને મે મહિનાનું પણ ભાડું ન ચૂકવ્યું હોવાની ફરિયાદ. વર્ધી એસોસિએશને રાજ્ય સરકાર પાસે મદદની માંગ કરી. રાજકોટની લાખાપરની પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને બોલાવાયા સ્કૂલે, તો શિક્ષકો સ્કૂલમાં માસ્ક પહેર્યા વગર જ જોવા મળ્યા. એટલું જ નહીં, શાળામાં જોવા મળ્યો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો અભાવ. શાળાનો વિડીયો વાયરલ થયો. ગુજરાત સરકારને જગાડવા માટે અને ભરતી પ્રક્રિયા આગળ ધપાવવા માટે એક યુવાને બનાવ્યું ગીત. અમરેલીના સુખપર ગામના ઉદય ચોપડાએ ગીત બનાવી પોતાના સહિત અન્ય યુવાનોની પણ વેદના વ્યક્ત કરી. જેતપુરના એસકુમાર રેસીડેન્સ વિસ્તાર પાછળના વિસ્તારમાં ખરાબ રસ્તાની ફરિયાદને લઈને નવાગઢ નગરપાલિકા ખાતે વિરોધ દર્શાવાયો. ચોમાસામાં પાણી ભરાતું હોવાની પણ રજૂઆત.
साबरकांठाना तलोदनी दी नमस्कार सहकारी शराफी मंडळीना डिरेक्टर सामे पोलीसे गाळ्यो कस्यो तो मंडळीना डिरेक्टर अने त्याना पुत्रनी धरपकड़ बाद अने डिरेक्टर भूगर्भमां उतरी गया अने एक लोकोने करोड़ोनो चूनो लगावी चूक्या छे। वलसाड़ में कैलास रोड पर चालता इंडियन गैस सिलिंडर गोडाउन में वलसाड़ ग्राम्य और शहरी मामलतदार की टीमें दरोड़ा पड़ा। कोई परवानगी विना गैस संजी चालती होवानुं बहार आव्युं। राजस्थान फोन टैपिंग मामले भाजपा संबित पात्रा कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस जूठ और फरेब ना करी रही है नाटक। श्री गहलोत सरकारे सत्तावार फोन टैपिंग कराया। टैपिंग मामले सीबीआई तपास की मांग करी। राजस्थान में धारासभ्य हॉर्स ट्रेडिंग मामले विधानसभा मुख्य दंडक महेश जोशी एसीबी में फरियाद नोधाई। मवनलाल शर्मा सामे नामजोग फरियाद नोधाई। पीसी एक्ट अंतर्गत नोधाई फरियाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ दर्शन कराया। बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करी तो सुरक्षा की बाबतों की समीक्षा करी। सीडीएस बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे हाजर रहा। अपनी एक इंच जमीन पर कोई छीनवी नहीं सके। लद्दाख पहुंचेला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार। गलवान घाटी में शहीद थे जवानों ने आपी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी असम में आवेला पूर ने लईने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं अपील करी। पूरग्रस्तों की मदद करने माटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं दरेक प्रकार की मदद माटे अपील करी। कांग्रेस धारासभ्य धर्मेन्द्र राठौड़ सहित आयकर विभाग अशोक गहलोत नजीक लोगों ने पूछपरछ माटे बोलाव्या। असम में मुशळधार वरसाद ने कारण सिलंग में पूर प्रकोप। 100 वधु गामों प्रभावित थया तो 20 रिलीफ कैम्प शुरू करवामां आव्या। यमुना घाटी धारमंडल विस्तारों वडकोट थी कपायो संपर्क। भारे वरसाद ने कारण NH-94 यमुनोत्री हाईवे बंद थयो। पालीकाड कुथनोर और डबरकोट में भारे काटमाण ने कारण मार्ग बंद थया। वंदे भारत मिशन अंतर्गत स्वदेश परत फरेला लोगों की संख्या 7 लाख की पार पहुंची। कोरोना ने कारण वंदे भारत मिशन चौथा चरण में। शिव नाडर राजीनामा बाद पुत्री रोशनी नाडर ने एचसीएल चेयरपर्सन बनावाया। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस। मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर्स ने करी 6 कलाक सुधी पूछपरछ। 2 डॉक्टर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछपरछ कराई। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन मामले અને તેની વચ્ચે કાર આવી જતા અકસ્માતની ઘટના બની। ટ્રેનના ડ્રાઈવર ઇમરજન્સી બ્રેક મારતા મોટી દુર્ઘટના ટળી। કારમાં સવાર 2 મુસાફરોના મોત થયા। ઓસ્ટ્રેલિયા દુબઈ ઓમાન અને શ્રીલંકામાં ફસાયેલા 648 ભારતીયોને વિશેષ વિમાન દ્વારા ભારત લવાયા। ચેન્નઈ એરપોર્ટ પર તમામ યાત્રિકોને આઇસોલેટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ। વિરોધી પક્ષ નેતા દેવેન્દ્ર ફડણવીસે અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી ખેડૂતોના પ્રશ્નો। મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરાઈ। પિયુષ ગોયલે કોરોના સમય લડવા માટે રેલવેના ખાસ કોચ અંગે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી। હેન્ડ સેફ્ટી વોટ્સએપ સોફ્ટ ડિસ્પેન્સર અને ફ્લશને હાથ અડાડ્યા વગર જ કરી શકાશે તેનો ઉપયોગ। બિહારના સીતામઢીમાં પૂરને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું। મનુષમારા નદીમાં કહેરથી રીગાના કેટલાય ગામોની હાલત નર્ક જેવી થઈ તો બકરી અને નરહાબ ધાપને પણ જુનાદ પુલ જેના પર પાણી ભરાઈ ગયા। બિહારના પૂર્ણિયામાં રસ્તે भारत ने नॉर्थ ईस्ट साथ जोड़नार NH-31 की हालत जर्जरित थी। पानी भराता बगड़ी हालत। खतरनाक खाड़ा पर सैकड़ों गाड़ी पसार थी रही है। गमे त्यारे दुर्घटना घटी शके। बिहार गया और आसपास विस्तारों में वरसाद न पड़ता पानी की अछत। बोरिंग पानी थी धान की रोपणी। आगामी समय में वरसाद न थाय तो खेडूतों ने पाक बचाव पड़े मुश्किल। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी धोवाण रोकवा बनावाये रिंगबांध में जमीन आपनारा परिवार को नहीं मिल 10 वर्ष की वर्तर तो अधिकारियों चक्कर लगावा छता दर्जनों पीड़ित परिवारों ने नहीं मिली रहूं तेनु योग्य वर्तर। बिहार कटिहार डंडाखोर में उफान मारती नदियों में बाड़कों ने युवाओं जीवलेण स्टंट। मनोरंजन ने आ खेल बनी शके छे जीवलेण। बिहार समस्तीपुर मोडवारा में हिंदू मुस्लिम की एकता जोवा मळी। देवेंद्र नामना व्यक्ति घर पानी में बेट चढ़ी गयु। महम्मद पंजू नामना व्यक्ति पोतानी जमीन पर बनावी आप्यु तेमना माटे घर। बिहार दरभंगा गोपालपुर में जमीनदारी बांध तूटता केटलाय गामों बेघर बना। रेलवे ट्रेक किनारे तंबू में रहवा लोग मजबूर थया। आ साथ ज बुलेटिन में अत्यार बस आटलू ज। नमस्कार।